हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे एकदम लो से लेके अल्ट्रा तक जो भी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है फीफा मोबाइल के बाद यहाँ पे जो हम लोग बाहर से देखने वाले हैं ईएफसी मोबाइल के बीटा में, तो उसके यहाँ पे पूरे जो भी ग्राफिक्स है सेटिंग्स है सब कुछ यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वगैरह ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले जो है इसको मैं पावर सेवर में कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। आप जो है एक बार आप ऐसे कर देते हो ना, देन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जब आप बैक जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो है नया सेटिंग में जो भी यहाँ पे चेंजेस हुआ है तो वो उसके साथ यहाँ पे गेम देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप चेंज तो कर दोगे बट वो गेम के अंदर कुछ वहाँ पे उसके इफेक्ट जो है नहीं रहेगा। तो अभी क्या होगा कि रिस्टार्ट कर दिया हूँ मैंने, तो एकदम सबसे जो लो सेटिंग्स है ना, जो पावर सेवर वाले आई थिंक उसमें यहाँ पे चालू होगा, आई थिंक नहीं यहाँ पे होने ही वाला है उसी में। तो उसके बाद एक छोटा सा कुछ यहाँ पे मैच खेल लेंगे, फिर पता लग जाएंगे कैसे उसका ग्राफिक्स है एंड देन यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते जाएंगे आगे की तरफ। पावर सेवर में किया है और पावर सेवर में मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे एज इट इज़ जो उसके सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली दिया गया है वैसे ही रख रहा हूँ। बाकी सारे जो भी पोस्ट इफेक्ट्स है क्राउड के सेटिंग्स है वो सारे रख के मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिसिजन बीटा में अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे कुछ मैचेस आप लोगों को भी पता है कि मिलता है तो हर एक चीज़ में देखो कितना लैगी फील हो रहा है, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा सिंपल सी बात है। तो मैं एक बीए से ही खेल लेता हूँ भाई, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होने वाला है बट फिर भी चलो खेल ही लेते हैं क्योंकि बी एस ए के बिना और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा नहीं सकते हम लोग। और बहुत ज़्यादा लैग टाइप का फील हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने हाई जो पावर सेवर अगर करते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपको ए पी एस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो लो में हो रखा है ऑटोमेटिकली और बहुत बेकार सा एक्सपीरियंस है। मैं सबसे पहले बता दूँ पावर सेवर में तो कभी मत खेलना, मिनिमम मीडियम से खेलना। बट फिर भी यहाँ पे एक टेस्टिंग वाला वीडियो है तो यहाँ पे हर एक जो सेटिंग्स है मतलब ग्राफिक्स के उसको हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इसीलिए पहला जो सेटिंग्स हम लोग का यहाँ पे एकदम पावर सेवर में है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो पाता है इसमें। आई थिंक लैग तो होगा बट फिर भी आई विल ट्राई। चलो यार बॉल मिला है, बहुत स्लो लग रहा है, बहुत स्लो लग रहा है। एक गोल मार दे, ओके पहला गोल यहाँ पे आ चुका है। साउंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब फिनी अच्छा खासा ट्राई यहाँ पे किया था, 1-1 हो चुका है, जीतूंगा तो आई थिंक यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छे खासे जो है प्राइज देखने को मिलेगा, बट अगर हार जाता हूँ तो कुछ नहीं मिलेंगे वैसे। चलो बहुत स्लो देख रहे हो भाई, ए पी एस के इतना डिफरेंस होता है, अगर ए पी एस आप लोगों के ड्रॉप कर रहा है बहुत कम है तो यही से होता है कि आप जितना भी मारो ना आपके गेस में जो रहे उसके लिए बहुत आसानी हो जाता है ये वाला चीज़ें। बट चलो यहाँ पे भीनी को बॉल मिलेगा शायद, और भाई भीनी क्या कर रहे हैं, तो स्लाइड क्यों मार रहे हैं वैसे। ओके चलो यहाँ पे तीसरा गोल भी आ चुका है, जीत रहे हैं हम लोग। 48 मिनट्स यहाँ पे देख सकते हो रिमेनिंग दिखा रहा है और आई थिंक ये भी गोल मिल सकता है। चलो हेड बहुत बढ़िया हेड भीनी से इसका, अगेन 4-2 अभी के लिए यहाँ पे स्कोर है। बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हर एक ग्राफिक्स सेटिंग्स में मतलब कैसे कैसे आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना कितना यहाँ पे जो बोल रहे डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है हर एक चीज़ें। तो यहाँ पे ग्राउंड तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा और प्लेयर भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लारी ब्लारी टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, ब्लारी मतलब क्या थोड़ा फेड टाइप का यहाँ पे नज़र आ रहा है। और चलो यहाँ पे देते हैं, सबसे लास्ट में जो सेटिंग्स होने वाला है उसमें जो मज़ा आएगा गाइस, सबसे तगड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है उसमें मैं दिखाऊँगा सब कुछ। मेरा मैक्स में एकदम चल जाता है सब कुछ मैक्स करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 7 सेकंड्स यहाँ पे लेफ्ट है, अभी यहाँ पे कर लेता हूँ। आई थिंक एक लास्ट गोल यहाँ पे आने ही वाला है जो यहाँ पे हो भी जाएगा। चलो भी ने मार दिया, बहुत लेट होता है मतलब एकदम फ्रेम रेट ऐसे ड्रॉप कर देते हो ना आप, जैसा होता है वही वाला सीन आ रहा है। तो ए वाला हो गया हम लोग का एकदम लो वाले सेटिंग्स, मतलब एकदम पावर सेवर वाले जो सेटिंग्स बहुत से लो वाला। अब आने वाला है यहाँ पे मीडियम वाले सेटिंग्स, तो उसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, पहला वाला सेटिंग्स हम लोग कर लिया, अब दूसरे वाले सेटिंग्स के लिए डेट में मीडियम में आ जाता हूँ। तो देख सकते हो स्टैंडर्ड यहाँ पे फ्रेम रेट और हाई पे, चलो मैं फ्रेम रेट को हाई कर देता हूँ, फ्रेम रेट को मैं नहीं तो क्या कर सकते हैं, रुक जाओ यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखते हैं, जो जैसा है वैसे ही करेंगे में जाके सब कुछ ऐसे कर। अच्छा फ्रेम रेट में ये लोग स्टैंडर्ड हो, हम लोगों को खुद से चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं हाई कर देता हूँ हर एक बार, ठीक है बस ग्राफिक्स मेरे को देखना है तो फ्रेम रेट यहाँ पे लो नहीं रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ ठीक है मीडियम में, देख सकते हो सारे मीडियम में है एंड लेट्स गो गाइस। अभी एक बार फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा इस गेम को और अभी देखते हैं। EA Sports, it's in the game. मेरे को लो में उतना देखो सब कुछ ठीक है, ग्राफिक्स का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो दिख रहा है आप खेल पाओगे अच्छे से, बस उसमें आपको क्या करना है कि जो ए पी एस है उसको हाई करके रखो बस। ए पी एस अगर लो करोगे तो खेलने में मज़ा नहीं आएगा, लो अगर कर रहे हो बट ए पी एस को ऑब्वियसली आपको हाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओ वाला हो गया, फिर से हम लोग और एक यहाँ पे भाग, देखो आप देखो गेम कितने स्मूथ हो चुका है। तो ए पी एस का सीन है, ए पी एस अगर हाई कर देते हो लो करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड लेट्स गो गाइस, और एक बार यहाँ पे खेल लेते हैं यहाँ पे आशा पूरा भाई साहब, इसका तो अच्छे खासे कॉइन्स है अभी, तो अच्छे खासे कहाँ पे यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी गेम प्ले क्या रहता है। तो इसमें तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस मिलेंगे भाई, मैं तो मीडियम करके रखता हूँ सबको पता है और डिफॉल्ट वही रहता है मेरा, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक है मेरे को यही लगता है, मैं तो और भी लो कर देता हूँ सबको।
चलो पहला गोली आता आ चुका है। अगर साउंड साउंड काफ़ी ज़्यादा है, मैं साउंड थोड़ा यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, साउंड के चक्कर में यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। ओके सेकंड गोली भी आ चुका है यहाँ पे यूनिट का। लेट्स गो थर्ड गोल। नेक्स्ट गोल इसका भी। ओ भाई भाई भाई, भाई अच्छा खासा लगा लिया था यहाँ पे से, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरा गोल हो गया है। सेकंड बार पे कोई अवेलेबल नहीं दिख रहा है, क्या गोल होगा ये वाला भी। चलो देखते हैं एम्बापे, आई थिंक ये भी गोल मार देंगे। एम्बापे का फिनिशिंग तो बहुत मस्त है, कर दिया 5-3। थोड़ा सा करीबी है, टाइम है अभी तक, भाई भी काम तक कर सकते हैं या फिर मैं भी यहाँ पे लीड और भी ले सकता हूँ। चलो देख लेता हूँ, 3-6 मतलब 3 गोल का भी लीड आ चुका है, तो ये वाला भी मैं जीतने वाला हूँ आई थिंक। मेन चीज़ है FPS, आप FPS को हाई रख के खेलो, बाकी आप सेटिंग्स को यहाँ पे लो कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट फिर भी मेरा जो काम है मैं सब कुछ यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को हर एक सेटिंग्स में जितने भी मिल रहे हैं। चलो ये भी गोल आने वाला है एम्बापे, लेट्स गो। यहाँ पे 4 गोल की डिफरेंस है। बेलिंगम भाई भी यहाँ पे 4 गोल का डिफरेंस नज़र आ रहा है भाई। हिट मार लिया क्या भी नहीं। ओहो सेव बहुत मस्त था, बट अगेन भाई नाइस सेव। आई भी 4 गोल का यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है। ओके टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है, आप जो देख सकते हो ये वाला गेम प्ले आप लोगों को दिख गया होगा कितना स्मूथ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी सारे स्मूथ ही चलेंगे। अगर देखो FPS को आप वैसे कर दोगे, आप जो बारी यहाँ पे हम लोगों को हाई चेक करने का गाइस, तो यहाँ पे चलो अभी हम लोग सीधा यहाँ पे हाई पे स्विच करते हैं एंड इसको भी कर देते हैं हम लोग, देख सकते हो यहाँ पे हाई पे कर दिया। अब लेट्स गो, यहाँ पे जो भी है बस मैं FPS को हाई कर रहा हूँ और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेटिंग्स के लिए अलग अलग करके यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो चलो यहाँ पे अगले सेटिंग्स में जो भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, जो भी इफेक्ट्स वगैरह है ना उसके जो स्केल है रेजोल्यूशन स्केल ये सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। ग्राफिक्स मतलब और क्या होगा, बस इतना ही है। और लास्ट में एकदम अल्ट्रा वाला यहाँ पे टेस्ट करेंगे, सब कुछ उसमें मैक्स रहेगा। चलो फिर से एक बार हो जाए, पैसे वगैरह भी आ रहे हैं देखो आप लोगों को दिखाने का चक्कर में, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कॉइन्स भी मिल रहा है, कोई बात नहीं इससे मेरा थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा। चलो आप देखते हैं यहाँ पे कैसा चलता है। देखो आईफोन 11 में आई थिंक यहाँ पे सब कुछ सही चल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैं खेल भी रहा था, स्ट्रीम भी कर रहा था कल अल्ट्रा यहाँ पे एकदम जो मैक्स करके सब कुछ। चलो 86 का OBR है मेरा अभी टीम का, कुछ प्लेयर को मैंने यहाँ पे रैंक अप ऑलरेडी कर चुका हूँ और धीनी को करना पड़ेगा शायद, धीनी को किया है एक बार मैंने कर चुका हूँ अभी। चलो गाइस धीनी यहाँ पे, ओके पहला गोल आता आ चुका है भाई, साउंड काफ़ी ज़्यादा है, साउंड कम करना पड़ेगा, सीन वही है इसमें। क्या गोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना भाई, हाथ में दिएगा। चलो मैं एक गोल से यहाँ पे हार रहा हूँ गाइस, आ जाए सेकंड गोल, लेट्स गो। यहाँ पे दूसरा गोल भी आ चुका है और ओ यहाँ पे सेकेंड गोल मिस कर दिया है, सो आई थिंक मेरे को और एक गोल मिलने वाला है। नाइस गोल, तीसरा गोल यहाँ पे आ चुका है 3-3। सेकेंड बार पे कौन आ रहा है, हिट मार लेगा, अरे ना यार हाथ में दे दिया ये, अगर फिर मोबाइल हुआ तो अब तक एक गोल खा लेता, बट ना भाई बहुत कुछ चेंजेस आया गाइस, बहुत कुछ चेंजेस आया है भाई, बढ़िया लग रहा है। इस बार जो यहाँ पे अपडेट हुआ है ना बहुत खतरनाक होने वाला है, और ये तो बीटा है फिर भी, जो इसमें आएगा जब मेन आएगा रिलीज होगा ऑफिशियली उस टाइम पे देखना। चलो 6-6, वो वाला एक क्रॉस के लिए ना हक दिया था मैंने बस थोड़ा सा। ओ भाई ना 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 ना, चलो मार दिए 7-7, आई थिंक उसका 8 हो जाएगा यार, वो कितने इजीली मार रहा है ना। चलो देख लेते हैं जैसे ऐसे करके, यहाँ पे 8-9 हो चुका है, 12 सेकेंड यहाँ पे बाकी है, 10 सेकेंड लेफ्ट मतलब 10 सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे देख सकते हो गोल आ जाए बस। 9-9 हो चुका है, 10 भी कर दिया यार इसमें, तो लास्ट वाला इसका मिस हो जाएगा उसमें चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलने वाला था शायद। चलो इसका आप लोग ने देख लिया जो है यहाँ पे कौन सा सेटिंग्स था ये का, रुक जाओ ये था आप लोगों का हाई, अब यहाँ पे करने वाला अल्ट्रा का, ठीक है हाई का हो गया, तो अभी यहाँ पे मैं मैक्स में कर देता हूँ सेटिंग्स सब कुछ, और उसके बाद ना मैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं अल्ट्रा, देखो अल्ट्रा में सब कुछ यहाँ पे मैक्स में सेट हो जाएगा, जो इसका गेम में जितने भी सेटिंग्स है उसके मैक्स में आप सेव करते हैं एंड एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं तो उसी में रहेगा। और चेक करके भी मैं दिखाऊंगा जो अल्ट्रा में एकदम चल रहा है कि नहीं, वो पता लग जाएंगे आप लोगों को देख के ही। द वर्ल्ड्स गेम, लेट्स गो द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस, ओ हो लेट्स गो भाई,
इप्सी मोबाइल। अभी मैं पहले यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह दिखाई तो आप लोगों क्या सीन है, सेटिंग्स के बाद यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि सेटिंग्स अगर नहीं रहेगा तो आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई तो झूठ का बस दिखा रहा है। ये देखो सारे यहाँ पे मैक्स में है। अभी यहाँ पे एक मैं लास्ट वाला जो होने वाला है यहाँ पे एक मैच में होगा, ठीक है, एक मैच यहाँ पे खेल लेते हैं जो इधर दिया गया है मिशन के थ्रू। और हेड टू हेड में इसका नहीं, हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, कोई एक मैच बस ये कितना मिनट में 45 मिनट, चलो एक हाफ टाइम तक यहाँ पे मतलब सेकेंड हाफ यहाँ पे खेल लेता है। इसमें पूरा आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा ना एकदम, ग्राउंड वगैरह देखो आप मैक्स सेटिंग्स में कैसे लगता है देखने में, बहुत मस्त होने वाला है। और मेरा पीसी का जो रेजोल्यूशन थोड़ा कम है जिसकी वजह से शायद वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा कम देखने में, बट गेम में जो चल रहा है ना वो अलग ही चल रहा है मेरे पास अच्छे से। देखो यहाँ पे पीसी में मिररिंग करके उधर से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है भाई। और रूडी का तेरा हाइट है तू क्या कर रहा है भाई, भाई साहब भाई साहब, ये तो क्या लग रहा है मेरे को, खत्म गुड बाय टाटा। चलो नाइस बॉल यहाँ पे छीना लिया मैंने, ओहो हो विनी विनी विनी, एक गेंद नाइस से भाई। क्या हेड था एम्बापे का, नाइस हिटर भाई, खतरनाक मार दिया था इम्बापे ने। चलो इस बार भी ट्राई करते अगर यहाँ पे हो जाए तो, इम्बापे ने मारा था आई थिंक टैकल वगैरह कुछ तो करने की कोशिश किया था बट वो गया नहीं, अगर सही जाता तो शायद जाते। भाई 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 नाइस नाइस है पोगबा इम्बापे। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा बेरा। कौन था बेलिंगम था क्या, चलो विनी का स्पीड है, विनी अगर यहाँ पे ले पाए तो इजीली। हाँ भाई टीम भी यहाँ पे अच्छे खेल रहे, जो मेरा ओपोनेंट ने देखे रखा है ना यहाँ पे आएगा। चलो आप तो यहाँ पे गोल आना चाहिए एक। ओ फाइनली एक गोल आ चुका है भाई। चलो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है 67, और थोड़ा सा खेलते हैं सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, मतलब दिख रहा होगा एकदम जो भी ग्राफिक्स है इसका, मस्त समझ रहे हो ना पीछे कितना मस्त लग रहा है जब खेलोगे, सोचा ऐसे पूरा एकदम रियलिस्टिक वाला फीलिंग आ रहा है। और रिप्ले, इसका रिप्ले तो कुछ अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल रिप्ले है इसका। चलो आप यहाँ पे धीरे 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 धीरे, और एक गोल बस होल्ड कराना पड़ेगा या फिर बस एक गोल चाहिए मेरे को और एक, तो मैं आराम से जीत जाऊँगा। Just 20 minutes remaining now and he's in. Is skill yahan pe try kiya jayega is. Goal. Oh ho ho Mbappe available tha, bahut tagda goal gaya hai. But a disappointed goalkeeper. Aaye. Save bahut badhiya tha by the way. Kaun tha ye goal to iska ya phir acha PSG ka hai na. To obviously Donnarumma hi hoga. Lo bhai. बहुत बढ़िया था, अच्छे खासे यहाँ पे सेव दिए थे बट चलो इम्बापे अवेलेबल था उस जगह पे, बहुत सही रिप्ले बहुत मस्त है रिप्ले एकदम पीछे से कर दिया। चेंजेस के ऊपर वीडियो आएंगे बट अभी के लिए ये वाला देखो आप लोग जो ग्राफिक्स के ऊपर होने वाला है। ओ भाई चलो 77 मिनट में यहाँ पे नेमार ने एक गोल ठोक दिया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई हल्का से timers against PSG but they still have the ability to hit back, this could square the game. Oh thank god ye bhi bahar mara bhai, ye to mera bhi mere ko milta hi nahi Mendy jo bhi yahan pe milne wala tha EFC points bol sakte ho jo bhi hai. Mbappe is with Vinicius Junior, chalo Vinicius yahan pe nikal chuka hai. ओ भाई मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे हो ही जाएगा, चलो गोल की वजह से खड़ा ही रह गया था, बस गोल खा लेता वो देखते ही रह जाता बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। चलो बॉल मिला है बेलिंगम, जस्ट टेक अ पावर शॉट, ओहो
विलियम क्या बॉल मिलेगा फिर से भाई, मिल जाए पास शॉट का ट्राई यहाँ पे बहुत मस्त किया था मैंने, बट हुआ नहीं, मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है पास शॉट का इसमें, आप या मोबाइल में पीसी में तो है, पीसी में आराम से ले लेता हूँ। चलो फाइनली यहाँ पे जीत गए एंड आई थिंक जो है जितना भी सेटिंग्स था आप लोगों को सब कुछ मैंने दिखा दिया। बहुत लोग होता है कि बोलते हैं कि मैक्स में कैसा चलेगा, देख लो मेरे डिवाइस में नहीं हो रहा है, तो देखो आप लोगों का डिवाइस में अगर सपोर्ट नहीं करता है बट मेरे पास है तो ऑब्वियसली मैंने दिखा दिया। आप लोग कैसे लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई वो टाइम लगा के यहाँ पे करना पड़ रहा है हर एक सेटिंग्स में जो भी है। तो बस ये वीडियो मैंने बनाया था कि आप लोग भी देख लो कैसे कैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी ग्राफिक्स में क्या चेंजेस है। अगर मेरा जो है पीसी मतलब जो भी डेस्कटॉप का उसका अगर डिस्प्ले अच्छा होता तो ऑब्वियसली और भी बढ़िया यहाँ पे आप लोग क्वालिटी में देखने को मिलते, बट वो फुल HD भी नहीं है जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम मतलब देखने को मिलेंगे रेजोल्यूशन, बट अदरवाइज मेरे को तो लगता है सब कुछ एकदम बहुत मस्त है भाई गेम में। ठीक है तो बस यही था इस वीडियो में गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर होगा आप लोग बताओ, फीफा मोबाइल या फिर इसके जो भी कुछ चेंजेस हुआ है सेटिंग्स में उसके ऊपर होने वाला है, आप लोग बताना आपको कौन सा चाहिए। सेटिंग्स बहुत कुछ चेंजेस हुआ है और मैं उसका कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया, तो सोच रहे हो अगले वाला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँ, और अगर आप लोग का मतलब यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन क्या आता है तो उसी हिसाब से बनाएंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।